ओम शांति 2/9/2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझा कर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। प्रश्न, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता है? उत्तर, बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? जो बच्चे समझे हुए हैं वह झट कहते हैं, हाँ बाबा हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते हैं वह मूंझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अक्ल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं। बाप ही तुम्हारे सारे कल्प का राज समझाते हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताओं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। दूसरा, पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है, बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं। तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। यह नेचर जब नेचुरल हो जाएगी तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं। पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यो